मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी शादी से पहले तुम्हारे घर वालों से हैदर की खामियां और खूबियां छुपाई हों। वैसे तो मेरे बेटे में कोई खामी है नहीं, लेकिन उसने लड़कपन में एक महमिल नामी जोक पाल लिया था। मगर सच बताओ, तुम्हें तो मेरे बेटे से कोई शिकायत नहीं है ना? तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं दी उसने? बोलो, आप क्या करेंगी? मैं वो करूंगी जो तुम नहीं कर सकती। मैं उसे उसकी कोताहियों पे डांट भी सकती हूँ, और अगर वो ना माने तो उसे चांटा भी रसीद कर सकती हूँ। एक माँ होने के नाते मुझे ये हक हासिल है कि मैं उसे मार भी सकती हूँ और उसे बात भी मनवा सकती हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हाथ बढ़ाने पर थाम तो लेंगे, मगर डरती हूँ कि कहीं महमल के पुकारने पर वापस लौटकर उसके पास ना चले जाए। उठो। जी, उठो, जाओ महमल के कमरे में जाओ। अरे जाओ ना। हाथ देखने से लकीरें थोड़ी बदलेंगी, लेकिन तकदीर तो बदली जा सकती है। अनसब मेरी तकदीर नहीं, मेरा फैसला है। जिसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते। हाँ महमल, बोलो। हैदर, तुम्हारी मोहब्बत मुझे सड़क पे ले आई है। क्या मतलब, कहाँ हो तुम? थाई अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया है। अच्छा सुनो, मुझे अपनी लोकेशन पिन भेजो फौरन, मैं आ रहा हूँ। ओके। अम्मी, महमिल कमरे में नहीं है। महमिल घर में भी नहीं है।
एक माँ बनकर मैंने उसे घर से तो निकाल दिया, अब बारी तुम्हारी है कि तुम उसे हैदर के दिल से निकाल। एक छोटी सी जंग लड़नी है तुम्हें, वो एक बेवफा औरत है। हैदर की उसकी कमजोरियों से वाकिफ हूं। बचपन से उसकी यह आदत है कि जो चीज उसके पास हो वो और किसी के पास ना हो, इसीलिए अपनी फील्ड में एक्सपर्ट माना जाता है। बहुत इनफिरादियत है उसके काम में, एक घर या एक बिल्डिंग दूसरे जैसे नहीं हो सकती, कोई उसे कॉपी भी नहीं कर सकता। फिर कैसे मुमकिन है कि अनसब जहांगीर की छोड़ी हुई बीवी को वो अपनी जिंदगी में वापस ले आए? या अल्लाह, मैं भी तो हमजा की छोड़ी हुई लड़की हूं, अगर कभी मेरा माजी हैदर के सामने आ गया तो। खैर, तुमको कैसे पता चलेगा, गुजरी हुई बातों से निकलना ही पड़ेगा। She'll be fine, don't worry. मेहमत, ईशल परेशान हो रही है, रोना बंद करो। हैदर, अगर तुम मेरा हाथ थाम लेते तो ताई अम्मी ऐसे हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर ना निकालती। जिस दर पे मेरी रोज मौत होती है वो मुझे वहां जीने के लिए भेजना चाहती। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अनसब के लिए मैं अलमारी में रखा हुआ वो ड्रेस हूँ जिसे रख के वो भूल गया। मुझे फीका करके वो रोज नई लड़कियों के साथ अपनी शामों को रंगीन करता है। मुझे नहीं जाना है देखो, प्लीज मुझे मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे वहां नहीं जाना। क्या सोच रही हो? फिर जाओ, अच्छी सी तैयार हो, घर को सजाओ, अब तो सारा मैदान तुम्हारा है, तुम्हें जीता हुआ मिला है, बस अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है तुम्हें, चौकस रहकर, हथियारों से लैस होकर। जाओ, तैयार हो जाओ।
तुझे चाहना मोहब्बत से मिलना तुझे अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। बचपन से उसकी ये आदत है कि जो चीज उसके पास हो वो और किसी के पास ना हो, तो फिर कैसे मुमकिन है कि अनसब जहांगीर की छोड़ी हुई बीवी को वो अपनी जिंदगी में वापस ले आए। उफ अल्लाह, मुझे तो जैसे आदत हो गई है परेशान रहने की, खामखा खुद को डरा रही हूँ। हाँ हाँ एक मिनट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो तुम डर गए? इसे डरना नहीं, मसलियत कहते हैं। हैदर, तुम तो तमाम मसलहतों को भूल के सिर्फ मुझे अपनाना चाहते थे। तब की बात थी मैमल। मैं अब की बात कर रही हूं। अभी मुमकिन नहीं हैदर। हैदर बस जल्दी है, ये भी नहीं सोचा कि अकेले में डर लगेगा मुझे। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, महफूज हो तुम यहां पे, और अगर फिर भी कोई भी मसला होता है तो कॉल कर लेना। बहुत जल्दी है जाने की। हाँ, क्योंकि तुमने बहुत देर कर दी आने में। वहां तो गई हूं मैं, पर अब कोई घर पर है जो मेरा इंतजार कर रहा है। बहुत परवाह है उसकी, अब मेरी कोई परवाह नहीं। तुम्हारी परवाह ना होती तो इस वक्त यहां खड़ा ना होता तुम्हारे साथ। खड़े जरूर हो मेरे साथ, लेकिन वक्ती तौर अपनी जिंदगी में वापस जाते ही भूल जाओगे मुझे। मुझे डर लगता है हैदर, मेरे साथ आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात ना हो। दिलनशीन के सामने जाते ही मुझे भूल जाओगे तुम। मुझे यहां नहीं रहना हैदर, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, अपने साथ ले चलो। नहीं लेके जा सकता हूं अभी, घर पे पता नहीं क्या हालात है, मां का मूड कैसा है, एक दफा देखने दो। सब नॉर्मल है तो फिर आके ले जाऊंगा। प्लीज ऐसे इसरार ना करो कि इनकार ना कर पाऊं। तुम मत करो ना इनकार, प्लीज। नहीं कर सकता अब इकरार। खुदा हाफिज़।
हैदर, मोहब्बत से मिलना तुझे, अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। ये बेइंतहा तेरे बिन सुलगना मेरा, मेरी सांसों में दिन बाकी तो हूं कि कहीं वो जज्बाती होकर अपने शौहर को खुद की कहानी ना सुना दे। मर्द कभी नहीं भूलता, ना भूलने देता है। लफ्जों के तीर बरसा बरसा के औरत को अदमुआ करके भी उसकी मर्दानगी पर लगी ठेस को तस्कीन नहीं मिलती। बड़ा दिल दुखा मेरा इस तरह सख्ती से उसे टोक कर उसे उसके घर छोड़ आई। राफिया क्या करती मैं, माँ हूं। अगर उसे तसल्ली देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखती ना, वही हाथ पकड़ के उसने घर आ जाना था। इसीलिए उसे खुद की जंग लड़ने छोड़ आई। जीत गई तो सब कुछ उसका, हार गई तो खाली दामन रह जाएगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। दिल ने अल्लाह की रजा और हमारी मर्जी के आगे अपना सर झुकाया, फिर कैसे मुमकिन है कि वो पाक जात उसका झुका सर हैदर भाई के सामने ना उठाए। खामखा परेशान रहती है। कभी कभी ना तसल्ली के खोखले अल्फाज भी बड़ा सहारा देते। वक्ती तौर पर ही सही, पर दिल के अंदेशों को मिटा डालते। तुम ना अभी यावर से कोई जिक्र ना करना, बात औरतों के बीच में है। बुशरा, दिलनशीन, मेहमर, अगर हम ना संभाल पाए फिर यावर से बात करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। आपके दिखाए रास्ते पर हैदर के प्यार को तलाश करने निकल तो पड़ी हूँ, मगर अब डर भी लग रहा है। डर किस बात का? बीवी हो तुम हैदर की, तुम्हारा हक है उसके ऊपर। पर कभी कभी सारे हक प्यार के आगे रेत की दीवार बन के ढह जाते हैं। बेकार के वहमों को अपने जहन से निकाल दो। देखो अब तो महमिल को भी तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। जीते रहो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मूड क्यों खराब है आज तुम्हारा? ना बीवी से मुस्कुरा के बात की और ना ही माँ से। कुछ परेशान हो क्या? आज तो महमिल को भी नहीं पूछा। आपको पसंद नहीं है ना कि मैं महमिल के बारे में आपसे पूछूं? खैर, पसंद तो दिलनशीन को भी नहीं है। जाहिर है, बीवी है तुम्हारी, उसे क्यों अच्छा लगेगा कि उसके शौहर के दिल में कोई और हो? महमल का मेरे दिल में होना कोई नई बात नहीं है। बात तो पुरानी है, बल्कि कुछ सालों से गर्द जम गई होगी उस पे। उसी गर्द को साफ करने तो महमल आई थी, इसीलिए मैंने उसे चलता कर दिया। कहाँ चलता कर दिया? कहाँ गई? अब अच्छी तरह से जानती हैं हमारे अलावा उसका और कोई आसरा नहीं। क्यों, उसके शौहर को भूल रहे हो क्या? वो घर तो छोड़ आई थी, लेकिन है तो अभी भी उसी के निकाह में। और बीवी का असल आसरा उसका शौहर ही होता है। और रोने के लिए दूसरों के कंधे तलाशना शरीफ लड़कियों का शेवा नहीं है, और ना ही शरीफ मर्द को ये जेब देता है कि वो दूसरों की बीवियों के आंसू पोंछते पोंछते अपनी बीवियों को रुला दें। वो तो अपना घर बर्बाद करने के दर पे है, लेकिन तुम्हें मैं ये गलती नहीं करने दूंगी। जो चला गया उसे भूल जाओ और अपना ध्यान अपनी तवज्जो उसकी तरफ रखो जिसका हक है तुम पर, समझे? जी बेहतर। अस्सलाम। दिलनशीन हो?
जिस तरह से तुम मेरे पास आके बैठी हो, बाद में यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें यकीन हो गया है कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी जगह मेरे दिल इस घर में क्या है। और हाँ, ये भी कह सकता हूँ कि अब मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हूं। महमल ने आपसे मोहब्बत का इतराफ मुझसे खुद किया था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हमारे दरमियान की दूरियों के बारे में उसको कैसे इल्म हुआ। आपकी कजिन है वो, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी आपकी। मैंने हम दोनों की कोई भी बात माँ से शेयर नहीं की है, तुम वो तो कजन है। मसला सिर्फ ये है कि बचपने से उसकी जिम्मेदारी हम पर थी, साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, उसके फादर ने उसकी जिम्मेदारी मेरे फादर को दी थी, तो बस आज भी वही जिम्मेदारी पूरी की है मैंने। अगर आपने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, की है क्या? हाँ, माँ ने मतलब इनिशिएटिव लिया है, सो वे की बात है। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब फाइनली हम दोनों इस तरह से बैठ के बात कर रहे हैं तो कोई तीसरा क्यों है बीच? हम दोनों क्या काफी नहीं है एक दूसरे? हम दोनों एक दूसरे के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, हमें अपनी बातें करनी चाहिए। सो Tell me about your likes and dislikes. जिंदगी में हर कोई सोचता है कि उसकी शादी होगी, तो जब तुमने सोचा था तो तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर थी कि तुम्हारा शौहर कैसा होगा? तुम्हारे क्या था? होता है ना थोड़ा सा। लविंग हो, ट्राइंग, और केयरिंग हो। और मेरी हर गलती को माफ करने वाला। कैसी गलती? अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गलती किस तरह की? ऐसे पूछ। जैसे
जैसे आपका माजी है, अगर ऐसे ही मेरा माजी हो तो। कोई था शादी से पहले तुम्हारी जिंदगी में? ऐसे इसरार ना करो कि इनकार ना कर पाओ। तुम मत करो ना इनकार, प्लीज। नहीं कर सकता इकरार। खुदा हाफिज़। हैदर, हैदर। नहीं, मजाक कर रही हूँ, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा जेलस कर रही थी आपको। मतलब मुनीर की कॉल आ रही है। हाँ बोलो। हैदर, हैदर मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। Everything will be fine. क्या हो गया? हैदर, तुम मेरी feelings को नहीं समझ रहे। अच्छा सुनो, listen. मैं सुबह office आता हूँ, फिर इस हवाले से बात करते हैं। Bye. हैदर? पता नहीं, जब दिल करता है मुंह उठा के फोन कर देते हैं office वाले, बंद ही कर देता हूँ फोन। So anyway, क्या बात हो रही थी? सिर्फ हम दोनों की। हम दोनों एक दूसरे को टीज कर रहे थे। जान निकाल दी थी तुमने ये बात करके मेरी। गॉड, नहीं यार, नहीं, मजाक में भी थी। लिए तो बहुत मुश्किल है ये सब। कैसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई ये सब? मुश्किल है तो क्या करूं? आदत ही नहीं। क्या हुआ? बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। हंसोगे नहीं तो? मैं नहीं देखता ड्रामे, माँ देखती है। उनके साथ मैंने देखा कुछ प्लेस में, बड़े रोमांटिक सीन्स होते हैं मियाँ बीवी के। सब आई थॉट के ऐसा कहाँ होता होगा, अब रियलाइज किया कि ड्रामे में हकीकत ही दिखाते हैं। मैं आपका फोन लेकर आती हूँ।
हैदर। ये लीजिए। थैंक यू। सिर्फ 10% हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। बैटरी का इशू है, सॉफ्टवेयर है या चार्जर फारिग हो गया है। एनीवे सफ्तर भी कॉल कर रहा होगा, मीटिंग थी उससे। चलो सुनता हूँ। अरे तो नाश्ता नहीं करेंगे क्या? नहीं, ऑफिस में कर लूँगा। ठीक है। बाय। सुने एक और बात छोटी सी। वो मैं सोच रही थी कि थोड़ी बहुत सेटिंग कर लूँ, तो उसके लिए मुझे अगर ओ, क्या ये लो। ये इसका मैं क्या करूँगी? जो लेना हो ले लो, बल्कि अगर तुम मुझे सरप्राइज भी करोगी तो अच्छा लगेगा। कुछ भी ले लो। कुछ भी। बाय, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।